स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज का वीडियो बिहार बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2023 से रिलेटेड है। दोस्तों आपको बता दें, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से जितने भी अफिलिएटेड कॉलेज थे वहां पे बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए पहले आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है वो ANET का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाती थी और उसी के बेसिस पे एडमिशन होता था। लेकिन आपको पता होगा बिहार के लिए जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो न्यू बनाया गया है, तो इसके वजह से आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का कोई महत्व रह नहीं गया है। वो सारे जो मेडिकल कॉलेज थे या फिर नर्सिंग कॉलेज है या फिर फार्मेसी कॉलेज है वो अब बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से एफिलिएट हो गया है। तो दोस्तों इस बार का एग्जाम है वो इसी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा और उसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट की जाएगी। दोस्तों कुछ लोग के मन में सवाल होगा कि इस बार ANET का एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है, तो आपको बता दें कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से सारे कॉलेज की एप्लीकेशन है वो खत्म हो गई है। तो अब जो कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है या फिर मेडिकल कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है या फिर पारा मेडिकल का कॉलेज है, वो सारा बिहार मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसे बोल सकते हैं या फिर बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जिसे बोल सकते हैं उससे एफिलिएट है वो हो गई है। चाहे वो एग्जाम लेने की बात हो या फिर एडमिशन देने की बात हो, सारा कुछ अब न्यू यूनिवर्सिटी के द्वारा ही होगा। तो दोस्तों इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाया था, आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको न्यू यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो हम इंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करें तो 2023 में जो इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है वो बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ज्वाइंट इंट्रेंस टेस्ट है वो होने वाला है। इसके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। देखिए इसमें बताया गया है इच्छुक अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य के अंतर्गत सोसाइटी अथवा न्यास के द्वारा स्थापित स्वविलोपित संस्थाओं द्वारा संचालित एवं स्वास्थ्य विभाग बिहार द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग महाविद्यालय में बीएससी नर्सिंग हो या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो या फिर एमएससी नर्सिंग हो, दोस्तों इन सारे कोर्स पे जो एडमिशन है वो 2023-24 में होगा और इसके लिए 6-8 यानी कि 6 अगस्त 2023 को बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन है वो किया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट है वो दिया गया है, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो 24 जुलाई से 2 अगस्त तक भर सकते हैं और आपका एडमिट कार्ड है वो 3 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा और आपका परीक्षा है वो 6-8-2023 को हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इसके थ्रू लगभग सारे प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन मिलता है, तो यहाँ पे आप पहले सीट बुक करवाते हो उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन की प्रक्रिया है वो की जाती है। दोस्तों नीचे और भी बताया गया है कि इसका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारा प्रोस्पेक्टस में डिटेल दिया गया है, लेकिन प्रोस्पेक्टस अभी प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। जैसे ही ये मिलती है और भी कुछ जानकारी आती है मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा तो उस पर एक डिटेल वीडियो मैं अलग से ला दूंगा और फिलहाल बस इतना जानकारी रखिए कि 24 से आपका एग्जाम का फॉर्म है वो फिलअप होगा और आपका एग्जाम है वो 6-8-2023 को होने वाला है। जब प्रोस्पेक्टस जारी होगी तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी कि एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंज किया गया है या फिर सेम AKU की तरह ही यहाँ पे भी एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।